नमस्कार, इस वीडियो में हम ट्रेकियोस्मी ट्यूब बदलने के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं ट्रेकियोस्टमी ट्यूब का बदलना क्या होता है। रोगी की ट्रेकियोस्टमी ट्यूब को 72 घंटे के बाद बदलने की आवश्यकता होती है, जो हर तीसरे दिन के बाद होती है, ताकि उचित हवा का आदान प्रदान सुनिश्चित किया जा सके और संक्रमण की दर को कम किया जा सके। किसी भी मामले में यदि यह 3 दिनों से पहले ट्यूब ब्लॉक हो जाती है तो आपको इसे उसी समय बदलना होगा। रोगी ट्यूब की रुकावट के कारण ठीक से सांस लेने में सक्षम नहीं होएगा और मर सकता है। ये ट्रेकियोस्टमी ट्यूब रुकावट के लक्षण हैं। हवा का जोर कम, पसीना ज्यादा आना, सांस लेने में जोर लगाना, सांस लेने में कठिनाई। यदि ये लक्षण मौजूद है तो ट्यूब को बदलने की आवश्यकता है। याद रखने के लिए महत्वपूर्ण बात, भोजन के तुरंत बाद ट्यूब नहीं बदलनी चाहिए। ट्यूब बदलने से पहले सक्शन किया जाना चाहिए। आवश्यक चीजें, इन चीजों को रोगी के बिस्तर के पास एक साफ प्लेन ट्रे या टेबल पर रखें। सही साइज की ट्रेकियोस्टमी ट्यूब, चिकनाई वाली जेल ट्यूब को आराम से डालने और कोमल उत्तकों को घाव से बचाने के लिए, दस्ताने के 2 जोड़े, कुछ कीटाणु मुक्त पट्टी, कीटाणु मुक्त कटोरी में जिसमें उबला पानी डाला हो या सलाइन डाला हो, फीते या पट्टी ट्यूब बांधने के लिए, कैंची पट्टी काटने के लिए, 10 ml की सिरिंज ट्यूब का गुब्बारा फुलाने और पिचकाने के लिए, सक्शन मशीन अगर ट्यूब बदलते समय बीच में सक्शन करना पड़े, नॉर्मल सेलाइन या उबालकर ठंडा किया पानी गिलास में डाल लें सक्शन करने के लिए, सही माप की सक्शन नली, मुंह पर लगाने के लिए मास्क, छोटा तौलिया छाती पर बिछाने के लिए, कूड़ेदान कूड़ा डालने के लिए, अलग डिब्बा पुरानी ट्यूब रखने के लिए, स्टील का डिब्बा अगले इस्तेमाल के लिए रखने के लिए, हाथ धोने के लिए हैंड सैनिटाइजर और साबुन। क्रिया, मुंह पर मास्क पहने। रुकावट के लक्षण पता करने के लिए रोगी की स्थिति का आकलन करें। सक्शन मशीन को मरीज के बिस्तर के पास रखें। साबुन और पानी से हाथ धोएं। प्रक्रिया के बारे में रोगी को सूचित करें। बिस्तर पर मरीज को सीधा लेटाएं। छोटा तौलिया मरीज की टीटी ट्यूब के नीचे छाती पर बिछाएं। मरीज के कपड़ों को गंदा होने से बचाने के लिए ट्यूब का गुब्बारा पिचका दें जब वो मरीज के अंदर है। सैनिटाइजर के साथ हाथ साफ करें। साफ दस्ताने पहने और हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। पिछली पट्टियां खोल दें और आराम से ट्यूब निकालें। जैसे ही आप ट्यूब निकालेंगे मरीज बेचैन हो सकता है। आप घबराएं नहीं, अगर जरूरत हो तो बीच में सक्शन कर सकते हैं। दस्ताने निकालें और कूड़ेदान में डाल दें। हैंड सैनिटाइजर से हाथ साफ करें। अब दूसरा दस्ताने का जोड़ा पहने और अपने दस्ताने वाले हाथ सैनिटाइजर से साफ करें। उसके बाद अच्छे से ट्रेकियोस्टमी घाव साफ करें। अब कोई दूसरा आपके दस्ताने वाले बाएं हाथ पे चिकनी जेली लगा देगा। ट्यूब के अंदर जाने वाले हिस्से पर चिकनाई जेली लगाएं। अब टीटी ट्यूब को घाव के एक तरफ से डालें, जिससे कि ट्यूब का बाहरी हिस्सा आपके कंधे के समानांतर हो। जैसे ही ट्यूब का आगे का हिस्सा स्टोमा में प्रवेश करता है, ट्यूब को शरीर में 90 डिग्री नीचे की ओर घुमाएं, फिर ट्यूब के बीच का हिस्सा निकाल दें। ट्रेकियोस्टमी ट्यूब डालने के दौरान जोर ना लगाएं, इसे ट्रेकियोस्टमी के बने रास्ते से जाने दें। मरीज बेचैन हो सकता है। ट्यूब के गुब्बारे को 5 से 7 मिलीलीटर हवा से फुलाएं। अपने बाह की कलाई को ट्रेकियोस्टमी ट्यूब के सामने रखें और जांचें कि हवा बाहर आ रही है या नहीं। अब ट्रेकियोस्टमी ट्यूब के आसपास
कीटाणु मुक्त आयताकार पट्टी लगाएं। जबकि एक आदमी ट्यूब को एक स्थान पर पकड़े हुए है, नई पट्टी या फीते के एक सिरे को ट्यूब की एक आंख में डालें। गर्दन के चारों ओर पट्टी को घुमा के दूसरे छोर पर ट्रैकियोस्टमी ट्यूब की आंख में लाएं और बांध दें। पट्टी को ज्यादा कसकर न बांधें। इसके नीचे एक उंगली आराम से घूम सके। मरीज की छाती से तौलिया हटा दें। मरीज को आरामदायक पोजीशन दें। कीटाणु रहित दो तह वाली पट्टी ट्रैकियोस्टमी के ऊपर लगाएं। चल रहे पानी के साथ ट्यूब साफ करें। जमे हुए बलगम को टीटी ट्यूब स्टिलेट से हटा दें। दस्ताने उतार कर कूड़ेदान में फेंक दें। दोबारा इस्तेमाल होने वाले सामान को साबुन पानी से साफ करके सुखा के रखें। अपने हाथ साबुन पानी के साथ साफ करें।